लोग टॉपिक कर रहे थे कैपेसिटर, और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया व्हाट इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें चार्ज को स्टोर किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन की जरूरत क्या है चार्ज को स्टोर करने का। तो जब भी हम किसी कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करते हैं, तो चार्ज को स्टोर करने में, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, हमने इसमें पहले चार्ज को स्टोर किया, फिर हमने दूसरे चार्ज को स्टोर किया, तीसरे चार्ज को स्टोर किया, चौथे चार्ज को स्टोर किया। तो जब हम चार्ज को इस कैपेसिटर में स्टोर करते हैं, तो इसको स्टोर करने के लिए हमने एक फोर्स लगाया, डिस्प्लेस किया, हमने एनर्जी खर्च किया और वो एनर्जी इसमें स्टोर हो गई। तो एक्चुअली में जो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है, तो चार्ज के फॉर्म में हम एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कि कैपेसिटर में हम एनर्जी स्टोर करते हैं और उस एनर्जी से हम बाद में वर्क कर सकते हैं। तो एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम इस कैपेसिटर का यूज करते हैं, किसके फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में। और हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि किस 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 चीजों पर हमारा ये कैपेसिटी किसी कैपेसिटर का डिपेंड करता है। तो हमने देखा कि फर्स्ट केस में वो डिपेंड करता है सराउंडिंग पर, वो कहाँ रखा गया है, किस मीडियम में रखा गया है, उस मीडियम के नेचर पर वो कैपेसिटर की कैपेसिटी डिपेंड करती है। दूसरा हमारे पास जो टॉपिक आया था द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर, वो उसके साइज पर, उसके शेप पर डिपेंड करता है। साइज बड़ा होने से उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करती है। तो ये हम नेचर देख रहे हैं कि कैपेसिटर किन किन टॉपिक पर डिपेंड करता है, किन किन मुद्दों पर डिपेंड करता है। तो ये हमने दो कंडीशन देखे। हम उस कैपेसिटर की कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए और क्या उपाय किया जा सकता है, उसके लिए हमारा आज का टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जरा ये देखिए, जैसे मानिए कि हमारे पास एक ये कैपेसिटर है, इसका एरिया ए है, मान लेते हैं इसका एरिया ए है। जब हम इसको ऐसा साइड व्यू देखेंगे कि हमें ऐसा दिखेगा इस तरफ फ्रंट, तो हम नॉर्मली इसको ऐसा ही ड्रॉ करते हैं, इसको हम इस तरह सीधा करेंगे, साइड व्यू में हमें स्ट्रेट दिखता है। तो ये रहा हमारे पास कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में जब हमने क्यू चार्ज को स्टोर किया, तो हम जानते हैं कि चार्ज को स्टोर करने से पोटेंशियल इंक्रीज कर जाती है। तो इसका जो पोटेंशियल हो गया वो हो गया भी, क्यू चार्ज स्टोर किया, इसकी पोटेंशियल बढ़ते 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 भी हो गई। हम जानते हैं कि पोटेंशियल बढ़ने से चार्ज लीक करना स्टार्ट कर देता है, तो इसमें इसकी कैपेसिटेंस क्या है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है सी इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय वी, ये इसकी कैपेसिटेंस सी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो हम चाहते हैं कि इसमें हम और भी चार्ज को स्टोर कर सके, तो हम क्या नेचर चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करें, लेकिन जो इसकी पोटेंशियल है वो कम से कम इंक्रीज करें। तो इसके लिए हमारे पास एक और उपाय है। हमें करना क्या है कि हमें ज्यादा कुछ खास नहीं, इस कैपेसिटर के पैरेलल में एक दूसरा कंडक्टर हमें यहां रख देना है, इसके पैरेलल में एक डिस्टेंस पर हमें एक दूसरे कंडक्टर को रख देना है। जैसे वो हम कहीं से लाए, कहीं इसको उठा करके कहीं से लाया और इसके पैरेलल में इसको रख दिया। ये इसके रखने से इसका पोटेंशियल कम हो जाता है और हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज को, और ज्यादा चार्ज को इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि मात्र एक कंडक्टर को रख देने से उसकी पोटेंशियल कैसे कम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल कम हो गई तो हम और भी ज्यादा चार्ज को इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए जरा, इसको बहुत ध्यान से समझने वाली बातें हैं कि मात्र एक प्लेट के सामने दूसरा कंडक्टर को, दूसरे प्लेट को रख देने से पोटेंशियल कैसे डाउन हो जाता है, पोटेंशियल कैसे कम हो जाता है। तो हम इसके नेचर को देखेंगे। हमने इसमें जब चार्ज दिया, तो हमने इसमें चार्ज दिया ये प्लस क्यू मान लीजिए, इसमें हमने चार्ज दिया 1000, हमने इसमें चार्ज दिया 1000। जब हमने इसमें 1000 चार्ज दिया क्यू, तो इसकी पोटेंशियल हो गई 100। जब हमने 1000 चार्ज दिया, तो इसके पोटेंशियल इंक्रीज होते होते हो गई 100। और इसके बाद जब इसमें हम चार्ज स्टोर करते हैं, तो चार्ज इसमें स्टोर नहीं होता, वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है और हम इसमें और ज्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हैं। तो इसके सामने पैरेलल में मान लीजिए कि डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस पर हमने एक प्लेट को, एक कंडक्टर को, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, उसको अपने सामने रख दिया और हम देखेंगे कि इसकी पोटेंशियल डिक्रीज कैसे कर जाती है। पोटेंशियल का हमने एक नेचर पढ़ा हुआ है कि अगर एक से ज्यादा चार्ज के कारण
किसी पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल चाहिए तो नॉर्मली उसको सबको उसके पोटेंशियल को ऐड कर दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए इसकी पोटेंशियल हमारी हो गई यहाँ पर 100, जब हमने यहाँ पर एक कंडक्टर रखा तो इस कंडक्टर में कोई भी चार्ज नहीं है, इसकी चार्ज जीरो है। चार्ज जीरो है का क्या मतलब? चार्ज जीरो होने का मतलब होता है कि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है और दोनों ज्वाइन होकर के जीरो हो गए हैं। तो दोनों जब ज्वाइन हो गए हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनाता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, प्लस को रिपेल करता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा करके इसमें जो चार्ज है जो प्लस माइनस दोनों जो जीरो हो गए मिल करके उसको माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और प्लस को रिपेल करेगा, जिसके कारण कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ चले आते हैं और जितने नेगेटिव चार्ज आए हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज दूसरे तरफ चले जाते हैं। इधर माइनस को अट्रैक्ट किया, प्लस को रिपेल किया, माइनस और प्लस इस तरह दूर दूर हो गए हैं। अब देखिए होता क्या है, पहले इसकी पोटेंशियल थी 100, लेकिन अब यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव इन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के कारण भी इस पॉइंट पर इस लोकेशन पर पोटेंशियल बनेगा और इसके लिए आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, सारे पोटेंशियल को ऐड करना पड़ेगा। तो पहले तो यहां पर हमारा 100 फिक्स हो गया है। अब देखिए हमने पोटेंशियल का एक बेसिक फॉर्मूला पढ़कर रखा हुआ है, कूलम्ब कॉन्स्टेंट क्यू डिवाइडेड बाय आर, और हम इसका नेचर क्या जानते हैं, ये R जितना ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल उतना ही कम होगा, पहली बात। दूसरी बात कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल बनाता है और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल बनाता है किसी पॉइंट पर। तो अगर हम इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहां पर अगर हम पोटेंशियल को देखेंगे और फिर पॉजिटिव चार्ज के कारण, क्योंकि यहां पर जितना माइनस है उतना ही प्लस है क्योंकि माइनस को अट्रैक्ट किया गया प्लस को रिपेल किया गया, तो ये नेगेटिव इस लोकेशन पर नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा और ये पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा। तो यहां पर सोचने की बात यह है कि क्या ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों की वैल्यू सेम होगी? तो आंसर है दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा? तो ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा उस पर हम इस फॉर्मूला को देखते हैं, पोटेंशियल डिपेंड अपॉन आर, डिस्टेंस पर पोटेंशियल डिपेंड करता है, जिसका डिस्टेंस कम होगा उसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी। और यहां पर हम देखते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव के कंपेयर में नेगेटिव इससे कम डिस्टेंस पर है तो नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा और पॉजिटिव पोटेंशियल कम होगी। तो हम ये मान लेते हैं कि इसके कारण जो पोटेंशियल बना वो है 60, तो हमने इसको लिखा -60, और इसके कारण जो पोटेंशियल बना वो है 30, और ये हो जाएगा यहां पर +30। नेगेटिव के कारण जो पोटेंशियल है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस कम है और डिस्टेंस कम होने से पोटेंशियल ज्यादा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 60, 30, -30 और ये हो जाता है +70। तो जहां हमारा पोटेंशियल उस पॉइंट का 100 था, मात्र एक प्लेट को इसके पैरेलल रख देने से कुछ डिस्टेंस पर हमने देखा उसका पोटेंशियल कम हो गया। इसका मतलब है कि अगर उस पॉइंट का पोटेंशियल कम हो गया तो हम उसमें और भी ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, ऑटोमेटिक उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर दें चार्ज को स्टोर करने की। अगर हम चाहते हैं कि और भी ज्यादा इसकी कैपेसिटी इंक्रीज करे तो हमको करना क्या है, हमें इसको ऐसा अर्थ से कनेक्ट कर देना है, ये इस तरह इसको अर्थ से बोलते हैं अर्थिंग करना। तो हमने जब इसको अर्थ से कनेक्ट किया तो होता क्या है कि जिस प्लस को ये रिपेल कर रहा है ये प्लस इस मीडियम के से साथ अर्थ में चला जाता है, या दूसरे शब्द में बोले तो ये प्लस यहाँ के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाता है और इन सभी को न्यूट्रल करके उन्हें जीरो कर देता है। जैसे ही ये सारे चार्ज कैंसिल होते हैं, ये जो हमारा +30 था ये कैंसिल होता है, ये हो जाता है -30 और हमारा पोटेंशियल घट के क्या हो जाता है 40। जहां हमारा पोटेंशियल पहले 100 था, इस नेगेटिव पॉजिटिव के कारण वो पोटेंशियल घट के हो गया 70, और जब हमने इसे अर्थिंग कर दिया ये पोटेंशियल और घट के हो गया 40, और हमारा पोटेंशियल 100 से 40 आ गया, पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। इसका मतलब हम उस पॉइंट पर उस लोकेशन उस कंडक्टर में हम और भी ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। पहले हमारा देखिए चार्ज का हमारा 1000 ही है, चार्ज हमारा चेंज नहीं हो रहा है जो उसमें स्टोर है। यहां पर बोलेंगे कि ये तो कुछ नेगेटिव चार्ज इसमें आ गया तो क्या इसका टोटल चार्ज जीरो हो गया? तो एक बात आप जान लीजिए कि हमारे पास जो कैपेसिटर है वो हमारा ये प्लेट है,
हमें जो चार्ज को स्टोर करना है वो हमें इस प्लेट में स्टोर करना है, इसके चार्ज से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि हमारे पास टोटल चार्ज कितना है क्यू, या हमने एग्जांपल तौर पर लिया हुआ है 1000, तो जैसे ही हमारा जो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो हम उसमें और भी ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बेहतरीन टेक्निक है किसी कैपेसिटर के कैपेसिटी को इंक्रीज करने का और पोटेंशियल को डिक्रीज करने का। ये बिल्कुल सिंपल काम है कि आपको एक प्लेट के सामने पैरेलल दूसरे कंडक्टर को या दूसरे प्लेट को आपको सिर्फ रख देना है, रख देने मात्र से ही उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। ये इसका फंडामेंटल तरीका है। और इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, अब से जब भी हम कैपेसिटर का ग्राफ बनाएंगे तो हम उसका टेक्निक का यूज करेंगे, ये दो पैरेलल लाइन जिसमें आप इसको इस तरह से दिखला सकते हैं, ये इस तरह से ये हमारे पास अब कैपेसिटर का ग्राफ हो गया। कहीं कहीं लास्ट वाले को ऐसा अर्थिंग कर दिया जाता है, या नॉर्मली इसका जो ग्राफ होता है वो बस दो पैरेलल लाइन, यहाँ पर आप इसको प्लस बोल सकते हो, यहाँ पर आप इसको माइनस बोल सकते हैं। ये जो हमने एक लाइन दिख रहा है ये एक्चुअली में क्या है, इस प्लेट को हमने ऐसा साइड व्यू में देखा है और ये हमें एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन है। ये इसका बेसिक तरीका है कि इस तरह से, इस नेचर से एक प्लेट के, एक कंडक्टर के सामने दूसरे प्लेट को रख देने मात्र से कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज कर लेती है। अब हम चाहते हैं कि कैपेसिटर को देखने मात्र से हम बता सकेंगे किसकी कैपेसिटी ज्यादा है और किसकी कैपेसिटी कम है, तो इसके लिए हमें ऐसा फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा किसी कैपेसिटर के कैपेसिटी को पहचानने वाला, जो उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता हो, जो उसके एरिया पे डिपेंड करता हो, जो उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करता हो, या और किसी चीज पे डिपेंड करता हो। तो ऐसा हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। हमारे पास फॉर्मूला के रूप में बेसिक फॉर्मूला क्या है कैपेसिटेंस का, तो बेसिक फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, चार्ज नीचे उसका पोटेंशियल, ये हमने आपको पिछले वीडियो में प्रूफ करके दिखाया। हम एक नया फॉर्मूला चाहते हैं जो इसकी ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में हो, तो हमें इस Q और V के बारे में कुछ इससे ज्योमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूला के बारे में सोचना पड़ेगा। तो Q क्या है, तो Q है टोटल चार्ज जितना हमने इसे स्टोर किया इस कैपेसिटर में जिसका कि एरिया है A। Q टोटल चार्ज है, पिछले वीडियो में आपको एक साइन बताया गया था सिग्मा। ये सिग्मा क्या होता है, आपको सिग्मा के बारे में जानकारी रखिए कि सिग्मा बी द नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, एक एरिया पर चार्ज का मैग्नीट्यूड, जिसको हम एरियल चार्ज डेंसिटी भी बोला करते थे। एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा, टोटल एरिया कितना है ए, हम यदि बोलेंगे सिग्मा ए तो ये क्या हो जाएगा टोटल चार्ज, यूनिट एरिया पर चार्ज सिग्मा, टोटल एरिया से मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल टोटल चार्ज निकल गया, और टोटल चार्ज का साइन क्या है क्यू। तो हम यहाँ पर यदि ज्योमेट्रिक रिस्पेक्ट में बोलेंगे, क्योंकि तो यहाँ पर एरिया है, एरिया की ज्योमेट्री है, तो हम इसको बोलेंगे क्यू का फॉर्मूला सिग्मा इनटू ए, ये है क्यू का फॉर्मूला बना। अब भी के लिए देखिए भी क्या होता है, पोटेंशियल। अब इस पोटेंशियल को भी हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बनाना चाहते हैं, तो जब पोटेंशियल भी हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो हमें इसके फॉर्मूला का नॉलेज होना चाहिए। तो इसके फॉर्मूला पे भी आप सोचेंगे तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक रिलेशन होता था, E इज इक्वल टू V बाय R या D, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, हमने आपको बताया था E इक्वल टू माइनस dV बाय dr। तो बेसिक फॉर्मूला पोटेंशियल और डिस्टेंस से रिलेटेड, E इज इक्वल टू V बाय d। तो V का फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो V का फॉर्मूला हो सकता है E इंटू d, जहां पर E इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एंड d विद द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है। तो d तो ज्योमेट्री से रिलेटेड यहाँ पर ये नाम है डिस्टेंस, लेकिन अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमें ज्योमेट्रिकल फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को देखेंगे तो हम क्या देखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता कौन है, चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा सिग्मा होगा, सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया या चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सिग्मा, दैट इज एरियल चार्ज डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हम यहां क्या बोल सकते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमने इसको इक्वल टू में लिखा। और हमें एक बात पता है कि इसमें क्या हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट विद द परमिटिविटी ऑफ मीडियम,
और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर आप बेसिक फॉर्मूला देखेंगे, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/4πε0Q/r2। तो अगर आप इस एप्सिलॉन नॉट से इंटेंसिटी के रिलेशन को देखेंगे तो हम देखेंगे ये दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इंटेंसिटी का रिश्ता चार्ज पर यूनिट एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और परमिटिविटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर इसके सामने परमिटिविटी रखेंगे तो वो नीचे हो जाएगा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, और एप्सिलॉन नॉट बी द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये E का एक फॉर्मूला बना, E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो भी के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ये रहा भी के लिए। और ये है हमारा क्यू का फॉर्मूला, दोनों को दोनों ज्योमेट्रिक रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें डी आ रहा है। अब जब हम इस सी के फॉर्मूला में यूज करेंगे कि सिंस सी इक्वल टू क्यू बाय वी, क्यू का वैल्यू सिग्मा ए और वी की वैल्यू हमने क्या देखा है ईडी, हमने क्या लिखा हुआ है ईडी इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। उसके बाद देखिए सिग्मा ए इस इंटेंसिटी का जो हमने फॉर्मूला बनाया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया डी, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, तो सी का फॉर्मूला क्या बनता है एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर चला गया एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ये हमारा एक नया फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब हम मात्र कैपेसिटर को देख के बता सकते हैं कि उसकी कैपेसिटी, किसकी कैपेसिटी ज्यादा या किसकी कैपेसिटी कम है। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया जितना बड़ा होगा उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटेंस उतना ज्यादा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा उसकी कैपेसिटी उस प्लेट, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की उतना ज्यादा होगी। अगर दोनों को, अगर हम ऐसा कम करते 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 दोनों को कॉन्टेक्ट में ला देते हैं, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस को अगर हम जीरो कर दें, तो ये जीरो हो जाने से सी की टोटल वैल्यू इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि जब हम दोनों के डिस्टेंस को अगर हम जीरो कर देंगे तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे हो जाएगा, अर्थ से, और अर्थ की कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा होती है, तो हम ये बहुत ज्यादा वैल्यू को इनफाइनाइट मान लेते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से हमने क्या देखा कि जब भी हम पैरेलल, जब भी एक कंडक्टर के सामने में हम एक मात्र किसी कंडक्टर को उसके पैरेलल सेट करते हैं, रखते हैं, तो उस कंडक्टर की पोटेंशियल डिक्रीज कर जाती है, और पोटेंशियल के कम होने से उसमें हम और भी ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। और अगर हम उसके फॉर्मूला बारे में पूछेंगे तो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये फॉर्मूला उसके ज्योमेट्रिकल टर्म से रिलेटेड है, जिसमें बता सकते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कैपेसिटर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो ये तरीका है किसी कैपेसिटर के कैपेसिटी को इंक्रीज करने का। अगर हम उसकी कैपेसिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारे पास और क्या सिस्टम है, तो जरा गौर से देखिए। ये हमारा एक प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट हो गया, हमने इसमें चार्ज लिया, यहां से माइनस जो है इंड्यूस हो गया, और ये प्लस जिसको कि हमने यहां कर दिया अर्थिंग, और ये कंडीशन हमारे पास पैरेलल प्लेट। हम चाहते हैं कि इसकी कैपेसिटी और भी ज्यादा इंक्रीज करें। अगर हम इस फॉर्मूला को गौर से देखें, ये फॉर्मूला सिग्मा ए बाई ईडी, अगर हम यहां पर इन दोनों को देखें तो कैपेसिटेंस इस इंटेंसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी को हम किसी तरह कम कर दें तो ऑटोमेटिक उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसके कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो इंटेंसिटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों प्लेट के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक पुट कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक जो कि चार्ज को अपने मन से जाने का परमिशन नहीं देता है। तो होता क्या है, जरा इसको बहुत ध्यान से सुनने की बात है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है, ये प्लस और माइनस, जब हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पर इसमें आके टकराती है
तो ये क्या करता है, अपने मैसेज से जाने का परमिशन नहीं देता है। कैसे? ये प्लस इस पॉजिटिव को रिपेल करता है और इस माइनस को अट्रैक्ट करता है, तो ये साइज ऐसा हो जाता है, यहां प्लस और यहां माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल। और होता क्या है, जैसे ही प्लस माइनस में एक गैप आया, ये प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे टकरा करके इसके लाइन को कमजोर कर देते हैं, उसके इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। ये तरीका होता है, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, या फिर इसको बोल सकते हैं इंसुलेटर विच डज नॉट अलाउ चार्ज टू पास थ्रू इटसेल्फ, जो चार्ज को अपने में से पास करने के अलाउ नहीं करता है। हमने इसमें देख लिया है इस फॉर्मूला माध्यम से कि इंटेंसिटी को अगर हम कम कर दें तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसके लिए हमने ये टेक्निक निकाला कि इस दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कारण यहां से जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक लाइन के होंगे वो कमजोर हो जाएगा। इसका मतलब देखिए, हमने जो डाइलेक्ट्रिक भरा उसमें कुछ डाइलेक्ट्रिक ऐसे होंगे, जैसे मान लीजिए पहले उसकी इंटेंसिटी 100 थी, पहले उसकी इंटेंसिटी 100 थी और उसने इस डाइलेक्ट्रिक को भरने के बाद उसकी इंटेंसिटी 5 टाइम कम हो गई, 5 गुना कम हो गई, तो हम उस डाइलेक्ट्रिक के उस वैल्यू 5 को उसका एक कांस्टेंट मानेंगे और हम उस कांस्टेंट बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यों? उस डायलेक्ट्रिक ने जिसे हमने वहां भरा हुआ है, उस डायलेक्ट्रिक ने उसके इंटेंसिटी को 5 टाइम कमजोर कर दिया। अगर हम उस डायलेक्ट्रिक को निकाल करके दूसरे डायलेक्ट्रिक को डालें जो उसके इंटेंसिटी को 20 टाइम कम करती हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसकी 20 है। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस डायलेक्ट्रिक की वो कांस्टेंट वैल्यू है जो जितने टाइम वो डायलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है। तो अगर मान लीजिए कि हमने दोनों प्लेट के बीच में डायलेक्ट्रिक डाला और उस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यदि हम मान लेते हैं K से इंडिकेट करते हैं, कि बी द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डायलेक्ट्रिक जो उसको भरा गया उस डायलेक्ट्रिक, तो अगर हमने डायलेक्ट्रिक भरा तब इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो आप देखेंगे हमने ये जो बेसिक फॉर्मूला बनाया इससे काम करेंगे। तो अगर उसकी डायलेक्ट्रिक K है तो उसकी इंटेंसिटी है, अब वो बदल जाएगी, पहले इंटेंसिटी E थी, अब वो क्या हो जाएगी E डैश, और उसका कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं C डैश। डायलेक्ट्रिक को भरने के बाद जो नया कैपेसिटेंस होगा हमने उसे मान लिया C डैश और उसकी इंटेंसिटी हो गई E डैश, और हमें C डैश के वैल्यू को फाइंड करना है। तो E डैश न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, और हमने देखा कि डायलेक्ट्रिक डालने पर उसकी इंटेंसिटी कम होती है, ज्यादा नहीं होती है। कितने टाइम कम होती है? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर हमने मान लिया K, तो हम क्या बोल सकते हैं, पहले E था अब वो K टाइम कम हो गया है। इसका मतलब अगर हम इस E को देखेंगे तो E डैश K करने पर ये इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने के बाद इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, कितने टाइम्स? K टाइम्स। तो अब हमारा E डैश जो है न्यू इंटेंसिटी वो किसके बराबर होगा? E बाय K के बराबर। और हमने कैपेसिटेंस के साइन को मान लिया C डैश, तो C डैश का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो C डैश का फॉर्मूला यहां से देखिए, ये हो जाएगा सिग्मा A डिवाइडेड बाय E डैश D, दिस सिग्मा A डिवाइडेड बाय E डैश D। अब देखिए यहां तो C डैश इक्वल टू, ये तो सिग्मा अपनी जगह पर है, E डैश की वैल्यू हमने क्या बोला हुआ E बाय K, दिस इज E बाय K, और यहां पर हो जा रहा है D। अभी हमने देखा ये देखिए E by K, तो ये के ऊपर चला जाएगा। K क्या है? K को हमने बताया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस डायलेक्ट्रिक का कांस्टेंट जो उसमें दोनों बीच में डाला गया है। ये K ऊपर चला जाएगा मैथमेटिकल टर्म से, तो C dash equals to K सिग्मा A डिवाइडेड बाय E D, और E का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां पुट करेंगे C dash equals to K सिग्मा A सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, तो सी डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, और एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी को हम क्या बोलते हैं? सी कैपेसिटेंस। तो देयरफॉर सी डैश इक्वल्स टू के सी, ये देखिए। तो हम क्या देखते हैं कि जो नया कैपेसिटेंस बना डायलेक्ट्रिक डालने के बाद वो इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज कितने टाइम्स हो गया है? हम बोलेंगे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम इंक्रीज कर गया।
तो ये उसकी कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो आज हमने देखा कि किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने का एक साधन ये भी है कि आप कैपेसिटर के पैरेलल में एक कंडक्टर को रख दें, और उसकी कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो उन दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक को पुट कर दें। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद उसकी कैपेसिटी कितने टाइम इंक्रीज कर जाती है, तो यहां पर हमने फॉर्मूला देखा डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। ये हमारा आज का टॉपिक है, आप इसको खुद से इसके नोट्स आपको दे दिए जाएंगे ग्रुप में, और आप खुद से भी इसको लिखने का प्रयास करेंगे और एक बार बुक से जरूर पढ़ेंगे।